जिला कुल्लू के ऊंची घाट के मणिकर्ण बाजार में इन दिनों बगीचों में कार्य जोरों पर है। रोजाना बागवान बगीचों से सेब को तोड़कर मंडियों में पहुंचा रहे हैं और जल्द इस कार्य को खत्म करने की फिराक में लगे हुए हैं। कुछ जगहों पर तो बागवान उन्हें अपने खर्चे पर मजदूरों की व्यवस्था कर ली है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते कई बागवान अभी भी मजदूरों को बाहर से लाने में डर रहे हैं। वहीं सरकार के द्वारा बाहरी राज्यों से मजदूर लाने का फैसला तो किया गया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी जटिल है कि कुछ बागवानों को इसे समझाना ही काफी मुश्किल है। घाटी के बागवान व प्रदेश कांग्रेस के सचिव राजीव किमटा का कहना है कि प्रदेश में 4,500 करोड़ से अधिक सेब का व्यापार होता है और ज्यादातर कार्य मजदूरों पर ही निर्भर रहता है। कोरोना के डर के चलते अब कई बार बागवानों को बगीचों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया शुरू की गई है वे काफी जटिल है। ऐसे में मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए और उस जटिल प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। मजदूरों की समस्या बहुत आ रही है क्योंकि पूरे प्रदेश में जो है इस वक्त सेब का सीजन जो है जोर पकड़ रहा है, और वही जो जयराम सरकार था उन्होंने कहा था कि जैसे ही सेब सीजन होगा नर्सरी सीजन हम उचित व्यवस्था करेंगे लेबर को लेकर। और जबकि आमतौर पर यहाँ पर जो लेबर थी वो नेपाल से आती थी, बिहार से थी, यूपी से आती थी, और सरकार ने कहा था कि हम उसकी उचित व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज स्थिति उल्टी है, भिन्न हो गई है। आज स्थिति ये है कि जो भी लेबर है वो नहीं आ पा रही है, और सरकार ने भी बागवानों को साफ शब्दों में कह दिया कि आप अपने स्तर पर अगर ला सकते हो तो लाइए। वहीं कई बागवान जो है जो इन्होंने एक जो इसके तरिए ऑनलाइन सिस्टम के तरिए बनाया है कि आप ऑनलाइन में आप कोविड पास लीजिए और लेबर को बाहर से लाइए, वो इतना पेचीदा है कि वो आम बागवानों के बस से बाहर है, क्योंकि उसमें पहले तो आपको डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हो, उसके बाद जो आपके लेबर है जिस भी प्रदेश से आपने लाने हैं उनके पहले आपको 72 आवर्स का कोविड टेस्ट करेंगे, उसके बाद बागवान अपने खर्चे पर उन्हें अपनी जगह पर लाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही कठिन समय है, और जबकि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 4500 करोड़ का सेब का रोजगार होता है, और जिस स्थिति में है अब सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए, अब बागवानों को अपने हिसाब से वो लेबर की व्यवस्था कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश में सेब है वो तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में तकरीबन 50% जो एप्पल क्रॉप है वो जो सेब के पेड़ों में ही सड़ जाएगी। उज्ज्वल हिमाचल के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।